खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर आ रही है, नागरिक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल कैबिनेट की बैठक चल रही थी और यह उम्मीद की जा रही थी कि आज इसे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आखिरकार वही हुआ है, नागरिक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। आज की सबसे बड़ी खबर, नागरिक संशोधन बिल, कैबिनेट ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हरी झंडी मिल गई है और अब इसे सदन में रखा जाएगा, पेश किया जाएगा। अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है, नागरिक संशोधन बिल कैबिनेट से पास। आज सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आज इसे मंजूरी मिल जाएगी और बिल्कुल विजय वही हुआ, नागरिक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता चुनाव में भी ये इस बात का प्रचार प्रसार करते रहे कि वो नागरिक संशोधन बिल लाएंगे और ये दूसरी बार लाया जा रहा है। इस साल जनवरी में ये बिल पास हुआ था लोकसभा में, लेकिन फिर राज्यसभा में सरकार नहीं भेज पाई थी क्योंकि इसका बहुत विरोध हो रहा था। अब सरकार फिर इसको लोकसभा में लाना चाह रही है और इसमें बहुत से कुछ संशोधन भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि असम में जो NRC जिस ढंग से लागू हुआ, जिस ढंग से वहाँ 12 लाख गैर मुस्लिम, हिंदू या दूसरे धर्म के लोग वो नागरिकता के दायरे से बाहर चले गए, अब ये बिल अगर पास हो जाता है तो वो लोग स्वाभाविक रूप से अब नागरिकता के दायरे में आ जाएंगे और बीजेपी का हिंदुत्व को लेकर जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाएं। क्या मायने मतलब है, क्या राजनीति है, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं प्रशांत के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये जो नागरिक संशोधन बिल पास हुआ, कैबिनेट ने जो ग्रीन सिग्नल इसे दिखाया है, मूल प्रारूप में या कुछ बदलाव आज हुआ इसमें? जी देखिए अखिलेश, अभी अभी कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि बिल को मंजूरी मिल गई है। अभी क्या जो पुराना बिल था जिस रूप में पहली बार ये लोकसभा से पारित हुआ था या बिल में कोई परिवर्तन हुआ है उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक जरूर अभी एक कैबिनेट मंत्री ने मुझे बताया कि काफी देर चर्चा हुई है इस बिल पर और कुछ बिंदु थे जिस पर विचार किया गया है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या उन जिन बिंदुओं पर जो जिन बदलावों पर विचार हो रहा था उसको अप्रूवल मिला है नहीं। थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा, लेकिन बड़ी खबर ये है अखिलेश कि कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और अब ये संभावना है कि कल या फिर 9 दिसंबर को ये बिल संसद में पेश किया जाएगा और उसे पारित करवाने की कोशिश करेगी। बड़ा बवाल इस पे काफी होना है अखिलेश, ये तय है, क्योंकि कई पार्टियां जो एनडीए के साथ भी है जैसे JDU वो इस बिल के खिलाफ रही है पहले से, लेकिन ये अगर इस बिल में परिवर्तन होता है तो क्या वो इस पे समर्थन करेगी, ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन कैबिनेट ने इस बिल को क्लियर कर दिया है और समझता है कि कल ही या फिर सोमवार को इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। बिल्कुल, तो कल या फिर सोमवार को संसद में इसे पेश किया जाएगा, ये भी एक बड़ी खबर प्रशांत बता रहे हैं। प्रशांत जरा ये भी बताएं, आपने अभी जिक्र किया था कि कुछ बिंदुओं पर विचार किया गया है आज कैबिनेट की बैठक में, वो कौन से बिंदु थे, क्या वो मसला था, कुछ पता चल पा रहा है उस बारे में? जी देखिए, सबसे ज्यादा जो आपत्ति पुराने स्वरूप में बिल को लेकर थी वो असम के जो संगठन है, खासकर छात्र संगठन है, वहां के राजनीतिक दल है जैसे असम गण परिषद है, उनको इस बिल के पुराने प्रारूप को लेकर कुछ आपत्तियां थी और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट थे जैसे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन सबके मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले अमित शाह से आके मिले थे, उन लोगों ने जो आपत्तियां जताई खासकर असम के लोगों को, उनका कहना था कि असम की जो संस्कृति है, खासकर वो इस बात पर भी जोर दे रहे थे कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है जो अवैध रूप से यहाँ नागरिक लोग रह रहे हैं, उसमें उनका कहना था कि धर्म को नहीं लाया जाए, उसमें जो अवैध नागरिक है वो अवैध नागरिक है, ये कहना था खासकर आशु जो असम का पुराना छात्र संगठन है उनका कहना था, उसको उसके इस बिंदु पर कोई बीच का रास्ता निकालने की बात थी, जैसे इनर लाइन परमिट वहां पर एक होता है असम के बॉर्डर एरियाज के बारे में, जो पहले से क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ जो है CRPC जो है उसमें इस तरह की व्यवस्था है, उसको इस बिल में समाहित करने की बात थी। थोड़ा तकनीकी मामला है, इसकी पूरी समझ जब तक बिल, जब बिल का स्वरूप हमारे सामने आए तभी हो पाएगी, लेकिन इस तरह के परिवर्तन आपको रोक रहा हूँ। RJD के सांसद है मनोज झा, उनसे बातचीत की ABP न्यूज संवाददाता ने इसी मसले पर, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर क्या है RJD का रुख, हमारे साथ मौजूद है मनोज झा। मनोज जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सदन में आने वाला है जल्द ही, क्या है आपका रुख? सीधी सी बात है, आप संविधान सभा की बैठकों में देखें, नागरिकता पे विशद चर्चा हुई थी,
हमने अपने मुल्क को कभी भी इजराइल नहीं बनाना चाहा। जैसे इजराइल की पूरी कॉलोनी का जो कॉन्सेप्ट था, हमारा मुल्क बिल्कुल उससे अलग था। एनआरसी से जो बवाल मचा है असम में, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर मैं सच कहूं तो ये सिटीजन को ही अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिटीजनशिप का ही सिर्फ मसला नहीं है, हम तो अभी भी हाथ जोड़ के कहेंगे साहब आपकी मेजॉरिटी है, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है, मॉरल मेजॉरिटी इस तरह के नागरिकता संशोधन के पक्ष में नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से अमित शाह ने भी जो है सदन में बयान दिया, कहा कि एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को अलग अलग रखना चाहिए और ये समझना भी चाहिए अंतर क्या है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि वो भी इस बात को समझें कि ये जो आप कहते हैं इतने लाख हैं, इस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं, यहां से आएंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्या हमारी संविधान की मूल भावना के अनुरूप ये है? नहीं। आपकी, मैंने बात दोहरा रहा हूं, आपकी आज मेजॉरिटी है लेकिन इतिहास 5 वर्ष की मेजॉरिटी पे तय नहीं करता है कि कौन सच के पक्ष में था और कौन सच को कुंद कर रहा था। लेकिन बस एक आखिरी सवाल, गृह मंत्री ने कहा कि जो जिन देशों से लोगों के आने की बात है, जिन जो एक तरीके से जो है जिनके लिए कहा जाता है कि जो हमारे देश के सिटीजन नहीं है वो हमारे देश में आएंगे, तो वो उन देशों से आएंगे जहां पर मुस्लिम बाहुल कंट्रीज हैं, वहां से अगर यहां आएंगे वहां की माइनॉरिटीज आएंगी, तो हमने इस वजह से मुस्लिमों का बात नहीं की है, बाकी सभी धर्मों की बात की। एक बात तो पहले तो वो जरा मुझे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कहती हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कन्फर्म किया है, कन्विंस किया है, कुछ नहीं होगा, जरा उस पर प्रकाश डाल लें, कौन सी बात कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर आरजेडी का कहना है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, क्यों? क्योंकि ये संविधान कि जो मूल भावना है उसके खिलाफ है और इस वजह से आरजेडी कर रही है नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।